ये कथा सुनने से पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का, पूरी मानवता का कल्याण कैसे होगा, ये बात बुद्धि में नहीं समझती भाई। राम कथा छोड़ो, यहां तो राम जी को गाली देते हैं लोग। राम जी काल्पनिक थे बताते हैं लोग। तमोगुण के उत्कर्ष में, रजोगुण के उत्कर्ष में, ये मत पूछो उत्कर्ष कैसे होता है। शास्त्र निषिद्ध आचरण जितना होगा उतना अधिक तमोगुण का उत्कर्ष होगा। शास्त्र निषिद्ध आचरण जितना करोगे उतना रजोगुण का उत्कर्ष होगा। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलोगे तमोगुण के बादल छटेंगे, रजोगुण शांत होगा, सत्व का चित्त में उत्कर्ष होगा। जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा तो तुम्हारे अंतःकरण में जो सच्चिदानंद है, सतघन चितघन आनंदघन, वो परमात्मा तुम्हारी अनुभूत में आवेगा। ये कथा सकल लोक हितकारी कैसे है? कहा जीव अपने बाह्य परिवेश जैसा मिलता है, हमारे चित्त में सोए हुए संस्कार वैसे ही प्रबल होकर जग जाते हैं। संतों की संगति मिली तो हमारा मन पाप की ओर नहीं जाता उतने देर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में सतोगुणी संस्कार संचित हैं। सत्संग करने से हमारे चित्त में सोए हुए सतोगुणी संस्कारों को ठोकर लगती है, वो जग जाते हैं। जब वो जग जाते हैं तो सतोगुण के जग जाने का तो सतोगुणी विचार आने लगे तो अब सतोगुणी ही कर्म होंगे। दो घंटे के बाद फिर स्थिति बदल जाएगी महाराज। यहां से गए और चार मित्र मिल गए, जुआड़ी शराबी, उनकी संगत पुरानी है, उनके साथ बैठ करके मदिरा पान करने लगे, ये सतोगुणी संस्कार दब गया, वहां तमोगुणी संस्कार रजोगुणी संस्कार प्रबल हो गया। इसी में जीव बेचैन है। ये संस्कार बनाए हमने हैं अपने कर्मों से और इसमें ऐसे उलझ गए हैं कि अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, ये कथा संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाली कैसे है कि कथा अगर सुनोगे, जितनी देर में यह कथा सुनोगी उतनी देर अगर सुन रही हो तो, और मोबाइल चला रही हो तो नहीं, अगर ध्यान से जितनी देर तक कथा का श्रवण कोई करेगा उतनी देर तक तो पाप आपके अंदर नहीं घुसेगा। उतनी देर तक के लिए चोरी और व्यभिचार करने का विचार नहीं आएगा। उतनी देर के लिए तमोगुण का प्रवाह थम गया, उतनी देर के लिए रजोगुण का प्रवाह थम गया, तो थोड़ा सा तमोगुण कमजोर हुआ, थोड़ा सा रजोगुण कमजोर हुआ और थोड़ा सा सतोगुण को बल मिला। और उसको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो जितना बार सुनेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो धीरे 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 तमोगुण शांत होता जाएगा, रजोगुण शांत होता जाएगा, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता जाएगा। और जैसे जैसे चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता जाएगा वैसे वैसे बुद्धि निर्मल होती जाएगी, जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती जाएगी
वैसे वैसे चित्त में सत्व का प्रकाश होता जाएगा, धीरे धीरे सत्वगुण इतना बढ़ जाएगा, तमोगुण गायब।